हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपका एक्स जून के मंथ में कैसा है, उनकी हालत क्या है। स्पेशली अगर आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन क्या मूव ऑन कर चुका है या अभी भी आपको मिस करता है, तो ये रीडिंग आपको जरूर बहुत सारे मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। आपका पर्सन, आपका एक्स इस वक्त क्या सोच रहा है और उनके दिमाग में चल क्या रहा है। Messages for Pisces. King of Wands, the Empress, the Tower, the Hierophant, King of Cups. तो यहाँ पे हमारे पास है the Empress. The Empress के साथ लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस वक्त ये पर्सन मिस कर रहा है आपके बिना। The Empress के साथ इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि आपने उन्हें वो अनकंडीशनल लव दिया था जिसकी वो हमेशा से कल्पना करते थे बस, और उन्हें लगता था कि ये सच नहीं हो सकता। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं जो कि वाकई बहुत चार्मिंग है, जिनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, और अक्सर इस पर्सन में कई लोग दिलचस्पी लेते हैं। ओके, या बहुत जल्दी ये किसी को भी दोस्त बना लेते हैं, लोग इनके क्लोज आ जाते हैं। पर्सनैलिटी काफ़ी लाइवली है, फ्रेंडली है, एंड इसलिए इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि शायद वही कुछ खास है, वही इतने स्पेशल है कि आप उन्हें इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं, इसका आपके बिहेवियर से कोई नाता नहीं है, यानी ये किसी भी तरीके से ये इंडिकेट नहीं करता कि आप दूसरों से ज़्यादा स्पेशल हैं। कम से कम ब्रेकअप के समय तो इस पर्सन को ऐसा ही लगा था, एंड अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि दरअसल उनके अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है। ओके, यहाँ पे ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन करने की कोशिश में कई बार फ्रेंड जोन हो चुका है, या मूव ऑन करने की कोशिश में ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में आया है जो कि वाकई काफी प्रैक्टिकल थे और जो वाकई बाउंड्रीज ड्रॉ करना जानते थे। तो यहाँ पे गिव एंड टेक वाली सिचुएशन थी जिसके भी साथ ये रिलेशनशिप में थे, और अब इस पर्सन को याद आ रहा है आपका अनकंडीशनल लव, कि किस तरीके से आपने उन्हें इस रिलेशनशिप में खुद से भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट समझा, खुद से भी ज्यादा प्यार दिया। एंड अब द टावर के साथ इनके जो भी भ्रम थे, जो भी इल्यूजन्स थे, वो दरअसल टूटकर चूर हो गए हैं, और अब इस पर्सन को सच नजर आ रहा है। इस पर्सन को दिख रहा है कि लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, इस पर्सन को दिख रहा है कि ट्रुथ उससे बहुत अलग है जो ये सोच रहे थे। तो इनका कॉन्फिडेंस तो अब पहले जैसा नहीं रहा, इन्हें ये समझ में आ गया है कि आप उन्हें इसलिए प्यार करते थे क्योंकि आपका दिल बड़ा है, आप उन लोगों में से हैं जो कि अनकंडीशनल लव दे सकते हैं, और इसीलिए उन्हें मिल रहा था, इससे उनका कोई लेना देना नहीं था। तो काफ़ी इनका प्रस्पेक्टिव चेंज हो गया है इस रिलेशनशिप को लेके। और द हायरोफेंट के साथ ये पर्सन काफ़ी रिस्पॉन्सिबल भी हो गया है, काफ़ी समझदार भी हो गया है। इनफैक्ट किंग ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन अब सोच रहा है सेटल होने के बारे में, कमिटमेंट करने के बारे में, एंड उन सारी चीज़ों को ठीक करने के बारे में जो उन्हें लगता है कि उनके इग्नोरेंस से बिगड़ गई, या उनके इस बिहेवियर से, किंग ऑफ वॉन्ड्स वाले बिहेवियर से, इमेच्योरिटी के कारण उनके लाइफ से चली गई। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब सोच रहा है कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए। एंड हाँ, यहाँ जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के केसेस में कि ये पर्सन मैरिड हो एंड आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो, या ये कहीं और कमिटेड हो, आपको बात पता हो सकती है, नहीं हो सकती। खैर, अब शायद ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि उन्हें अब कोई फैसला लेना पड़ेगा और चीज़ों से डील करना उन्हें आना चाहिए। ओके,
हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, या फिर अपने पार्टनर का जोडियाक देख रहे हैं। एंड ईयरली रीडिंग 2023 की और पिछले वीक की रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, द फूल एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो हमारे पास है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स के साथ यहां पे ये जो गिफ्ट है, ये पर्सन इसे जाने नहीं देना चाहता। अभी नहीं रियलाइज हो रहा है कि अगर वो किंग ऑफ कप्स है तो इनको ये कप देने वाले आप ही हैं। एस ऑफ कप्स, आपको ये अब पता होना चाहिए कि ये पर्सन आपके हिसाब से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इनफैक्ट इन्हें लग रहा है कि इन्हें आपसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनकी खुशियां आप पे डिपेंडेंट है। एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन बिल्कुल भी इस ट्रुथ को अब एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। एंड यहां पे ये पर्सन बार बार इन चीजों को ठुकरा रहा है, सच को, कि शायद आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो टेम्पररी था और अब उन्हें फ्यूचर में आपके बारे में भूल जाना चाहिए, आपका साथ उन्हें नहीं मिल सकता। टेम्परेंस के साथ ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं इमोशनल लेवल पे। ये पर्सन मैच्योर हो रहा है, पहले से ज्यादा समझदार हो रहा है, क्योंकि इससे पहले ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह एक्ट कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। एंड दरअसल ऐसा करके भी, इतना ज्यादा प्रैक्टिकल होके भी, इन्होंने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है। ये उन लोगों में से हैं जो अक्सर अपना फायदा और नुकसान देख के डिसीजन लेते हैं। एंड इस पर्सन को हमेशा ये लगता है कि जो वो दे रहे हैं उन्हें वो मिलना चाहिए। हर चीज में कैलकुलेशंस इन्वॉल्व रहती है। एंड शायद ये पर्सन बहुत ज्यादा मनी माइंडेड भी है। हर चीज को ये इस चीज से जोड़ के देखते हैं कि इस पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर कैसा होगा, क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी या नहीं, या ये पर्सन क्या मेरे साथ इस जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है, चैलेंजेस को फेस कर सकता है। ये इनका पर्सपेक्टिव है। पर अब इस पर्सन को लगता है कि इमोशंस अगर ना हो, अगर इंसान खुश ना हो, तो बाकी कोई चीज मायने नहीं रखती। और इनफैक्ट द फूल के साथ ये पर्सन अब एक नया स्टेप लेना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बेचैन है कुछ करने के लिए। एंड हो सकता है कि जून के मंथ में ये कुछ ऐसा करे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। ओके, कोई ऐसा स्टेप ले जो आप सोच नहीं रहे थे कि ये पर्सन ऐसा करेगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को इस पर्सन से कुछ नया सुनने को मिले, या ये पर्सन आपको अप्रोच करें, ओके, इस मंथ में ही। एंड आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Excuse me. Star Mother, how can you mother yourself? तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो कुछ भी हुआ उसके बारे में ज्यादा सोचिए मत, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस वक्त आपको जरूरत है आपके ही प्यार की। जिस तरीके से जब हम बीमार होते हैं या हमें अच्छा नहीं फील होता, हमारी माँ हमें ट्रीट करती है, उसी तरीके से इस वक्त जरूरत है आपको खुद को अपनी तरफ ध्यान देने की। कुछ चीजों की हीलिंग हम खुद ही कर सकते हैं अपने लिए। एंड ये इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स खड़ा है, आपके साथ आपका हायर सेल्फ है जो आपसे बहुत प्यार करता है। तो इस वक्त जो कुछ भी इस पर्सन ने कहा उसे भूल जाइए। वो कुछ भी रियल नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसपे आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है। और खुद को हील कीजिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि वही सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे। ओके, और कोई दूसरी चीज मायने नहीं रखती इस पॉइंट पे। तो
ये है रीडिंग आपके एक्स के थॉट्स के बारे में जून के मंथ में. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.